हमारे फीफा गेम में टोटल 3 मैप्स है, बरमूडा, परगेटरी एंड कलहारी। लेकिन परगेटरी एक ऐसा मैप है जिसमें कोई भी लॉन्च पैड अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है इसके पीछे का रीजन कि क्यों परगेटरी मैप में कोई भी लॉन्च पैड अवेलेबल नहीं है। एंड अगर आप फ्री फायर प्लेयर हो तो आप लोगों को ओबी अपडेट के बारे में तो पता ही होगा। वही जब हमारा गेम मेंटेनेंस ब्रेक में जाता है और हम गेम नहीं खेल पाते, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जब हमारा गेम अपडेट में जाता है तो जो गरेना का जो रूम होता है, मतलब पूरा सर्वर रूम जो आप बोल सकते हो, वो आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और क्या आप लोगों को पता है ये हमारा फेवरेट गन है M1887 दो गोली वाला शॉटगन, वो आर्मरी में क्यों नहीं है? तो आज की वीडियो हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कमाल के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन फैक्ट्स को सुनकर आपके रिएक्शन इस बच्चे की तरह होगा। तो इस वीडियो को जरूर से पूरा एंड देखना। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि हम लोग फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई लोग। फैक्ट नंबर 8, अब मैं आप लोग एक ओल्ड फैक्ट बताने वाला हूँ फ्री फायर से रिलेटेड। तो ये वहीं का फोटो है जहाँ से आप लोग टॉप अप करते हो, मैं टॉप अप करता हूँ, लेकिन ये कुछ आज से एक साल पहले का फोटो है। इस वीडियो में आप लोग एक बहुत खास चीज देखने मिलेगी। लाइक अगर आपने अभी तक टॉप अप नहीं किया है, लाइक इस बंदे ने जिसका भी फोटो मैंने लिया है उस बंदे ने ओनली 80 वाला टॉप अप किया है, तो जो एक रिवॉर्ड था मतलब हर टॉप अप में, लाइक आप लोग 250 वाले टॉप अप में देख सकते हो, अगर फर्स्ट टाइम टॉप अप करोगे तो आप लोगों को 155 डायमंड एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड सिमिलरली 400 वाले में आप लोगों को 260 डायमंड एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम टॉप अप करते हो तो। एंड अगर आप 800 का टॉप अप करते हो तो आप लोगों को 530 डायमंड एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर आप 1600 करते हो तो 1090 डायमंड एक्स्ट्रा मिलेगा, एंड अगर आप 4000 का टॉप अप करते हो तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डायमंड मिलेगा 2800 डायमंड, जो कि पूरी तरह से आप लोगों को फ्री में मिलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम टॉप अप करते हो तो। अगर आप एक बार 4000 का टॉप अप करते हो तो पहले बार आपको 2800 डायमंड एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन दूसरे बार आपको 2800 डायमंड एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग को ये लग रहा हो कि ये कोई इवेंट होगा बोनस डायमंड टॉप अप वाला, लेकिन भाई लोग ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई इवेंट नहीं था, ये आज से कुछ एक साल पहले का फ्री फायर था, उसमें ये सब चीजें पहले से अवेलेबल होती थी। मतलब आप फर्स्ट टाइम टॉप अप करते हो तो आप लोगों को कुछ बोनस मिलता था, कुछ एक्स्ट्रा डायमंड्स मिलते अगर फर्स्ट टाइम टॉप अप करते हो तो। लेकिन अगर आज के टाइम पे हम टॉप अप करते तो हम लोगों को कोई भी बोनस देखने नहीं मिलता है। तो क्या आप लोगों को पता है जब हम फर्स्ट टाइम टॉप अप करते थे और हमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता था, मतलब एक्स्ट्रा डायमंड मिलते थे, तो गरेना ने इस चीज को रिमूव क्यों कर दिया? तो इसका सिंपल सा रीजन है पैसा। गरेना कभी ये नहीं चाहती या फिर कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जितने भी फ्री फायर के प्लेयर्स हैं उन लोगों को फ्री में डायमंड्स मिले या फिर फुकट के कोई भी डायमंड्स मिले। आप लोगों को पता होगा कि वॉच एड्स एंड अर्न डायमंड वाला जो सिस्टम था जिसमें हम एड देख के डायमंड कलेक्ट करते थे, उस सिस्टम को भी हटा दिया। इससे एक्चुअली हो क्या रहा था कि फ्री फायर में जितने भी डायमंड्स है उसकी वैल्यू कम हो रही थी, एंड जो टॉप अप करने वाले बंदे थे वो टॉप अप करना बंद कर दे रहे थे। तो क्या आप लोगों को ये वाला फैक्ट पता था? ये बात आप लोग जो कॉमेंट में कमेंट करके जरूर से बताना। एंड हो सकता है आज की वीडियो में मेरे को थोड़ा हेट भी मिले, बहुत बंदे ये बोलते हैं कि यार ये कोई एडिटेड वगैरह हो रहा, लेकिन एक बहुत ही माइनर से छोटी चीज थी जिसे किसी चीज ने गौर नहीं किया, लेकिन मैंने किया तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो बहुत बंदे ये बोल सकते हैं कि भाई ये एडिटेड है या वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, आज से कुछ एक साल पहले के जो भी यूट्यूब में स्ट्रीम करते रहे फिर वीडियो डालते रहे उनकी वीडियो जाके आप लोग देख लो, आप लोग खुद समझ जाओगे। फैक्ट नंबर 7, आप लोग फ्री फायर गेम में गन्स यूज करते हो, चाहे कोई भी गन हो, हम यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर गन का नाम नहीं लेंगे। और उस गन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है अटैचमेंट। क्या आप लोगों को पता है इस पूरे मैप में सबसे ज्यादा मिलने वाला अटैचमेंट कौन सा है? आप लोगों को शायद ही पता होगा। तो इस पूरे मैप में सबसे ज्यादा मिलने वाला अटैचमेंट है वो है मैगजीन। आप कभी गेम खेलते हो तो कभी भी एक चीज गौर करना कि आपको मैगजीन बहुत ज्यादा देखने मिलेगी, चाहे वो मैगजीन लेवल 1 की हो, लेवल 2 की हो या फिर लेवल 3 की हो, आप लोगों को मैगजीन देखने मिलेगी ही मिलेगी। एंड एक और अटैचमेंट है जो कि सबसे कम देखने मिलती है पूरे मैप में, वो है बायपॉड। बायपॉड आप लोगों को बहुत रेयरली देखने मिलेगी, बायोपॉड की जगह आप लोगों को फॉरगिव देखने मिल जाएगी, लेकिन बायोपॉड बहुत रेयरली देखने मिलती है पूरे मैप में। फैक्ट नंबर 6, आप लोग डेली यूट्यूब पे फ्री फायर से रिलेटेड वीडियोस तो देखते ही हो, लेकिन क्या आप लोगों को पता है ये पूरे फ्री फायर कम्युनिटी है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड, उसमें सबसे ज्यादा व्यू आने वाला वीडियो कौन सा है फ्री फायर का? देखो इसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है। आप लोगों को फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल के चैनल पे जाना है, एंड देन उसके बाद मोस्ट पॉपुलर वीडियो को सिलेक्ट करना है। आप लोग वहां देखोगे एक वीडियो है जिसपे है 172 मिलियन व्यूज, एंड देन उसी के जस्ट नीचे एक और वीडियो है जिसमें है टोटल 53 मिलियन व्यूज, एंड ओवरऑल थर्ड नंबर पे जो आता है वो विंसेंजो का वीडियो जो कि गेम प्ले वीडियो था, उस पे अप्रोक्सीमेटली 45 मिलियन प्लस व्यूज है। एंड विंसेंजो एक इंडिविजुअल क्रिएटर है। मैंने अपने फर्स्ट फैक्ट वीडियो में एक चीज कवर किया था कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो है किसी इंडिविजुअल क्रिएटर का, वो है विंसेंजो का। फैक्ट नंबर 5, आप लोगों को मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ अभी, एक सेकंड रुकना। ये जो आप चीज देख रहे हो रंग बिरंगी डीजे आलोक जैसा, वैसे डीजे आलोक ही है
उसकी एबिलिटी है ये। जब हम एबिलिटी पे क्लिक करते हैं डीजालो के, तो देख सकते हैं आप लोग कैसा रंग बिरंगी दिख रहा है। और सेम ये जो रंग बिरंगी है हरा भरा घास, ये वो कौन का है? तो अगर आप लोगों को मैं एकदम इजी वर्ड्स में बताऊं तो ये एक्टिव स्किल होता है ना, उसका ये बटन है। आज से कुछ एक साल पहले जितने भी प्लेयर्स थे, मतलब जो डीजालो वगैरह यूज किए हैं पहले के टाइम पे, उन लोगों को ये वाला फैक्ट पता होगा। अभी के टाइम पे आपके कस्टम एचयूडी में जितने भी बटन है, एक्टिव स्किल भी वाला भी बटन व्हाइट हो चुका है। मतलब टोटल जितने भी बटन है सबके सब कस्टम एचयूडी में व्हाइट है। और अभी के डीजालो का एक्टिव स्किल बटन और वुकोंग का एक्टिव स्किल बटन आप लोग खुद देख लो, ये भी व्हाइट हो चुके हैं, लेकिन पहले इनका कलर कुछ और था। क्या आप लोगों को पता है इसके पीछे का फैक्ट कि क्यों इस चीज को चेंज किया गया? तो देखो, इसके पीछे का रीजन ही बहुत ज्यादा छोटा और नॉर्मल है। पूरे बटन व्हाइट है एंड बस एक्टिव स्किल बटन रंग बिरंगी है। देखने में अजीब नहीं लगेगा आप लोग भाई? पूरे कस्टम एचयूडी में सभी बटन व्हाइट है, लेकिन एक बटन ऐसा है जो कि दूसरे कलर का है और रंग बिरंगी है। देखने में अजीब लगेगा ना? तो इसलिए गरीना ने सभी बटन्स को चेंज करके व्हाइट कर दिया। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। वीडियो को एक लाइक जरूर करना भाई लोग। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाद जो है बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप लोग को पता है हमारे फीफा गेम का ऐसा कौन सा इवेंट है जिसमें आज तक सबसे ज्यादा डायमंड्स लगाए गए हैं प्लेयर्स के थ्रू? तो आप लोग पहले कोई इवेंट को सोचो, भाई कौन सा ऐसा इवेंट जिसमें सबसे ज्यादा डायमंड लगे हैं। उससे पहले मैं आप लोग बता दूं, इस इवेंट का नाम है दिवाली विश इवेंट, जो कि 2020 के दिवाली में आया था। एंड इस इवेंट में बहुत सारे रेयर बंडल्स थे एंड उसी के साथ साथ जितने भी फ्री फायर में गन स्किन्स है वो सब थे। जो इलाइट पास में बंडल्स होते हैं, जो इंक्यूबेटर में बंडल्स होते हैं, उन बंडल्स को छोड़ के इस इवेंट में जितने भी बंडल्स फ्री फायर में आए हैं सारे के सारे बंडल्स अवेलेबल थे। उसी के साथ साथ गन स्किन्स भी अवेलेबल थे। एंड यही एक इकलौता इवेंट है जिसमें सबसे ज्यादा डायमंड्स लगाए हैं फ्री फायर प्लेयर्स ने। फैक्ट नंबर 3, ओबी अपडेट। आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों के नाक में दम कर देता है कभी कभी ये ओबी अपडेट। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ओबी का फुल फॉर्म एक्चुअली में होता क्या है? ओबी का फुल फॉर्म होता है ओपन बीटा, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सच एज गेम्स में काम आता है। और इस ओपन बीटा ऑपरेशन में गेम में कुछ नई चीजें डाली जाती है जिससे गेम और भी बेहतर हो, या फिर कोई ऐसी चीजें जिससे गेम खराब हो रहा है तो उस चीज को रिमूव कर दी जाती है, इसे कहते हैं ओबी। और ये बैकग्राउंड में मैंने एक आप लोगों को पूरा रूम टूर दिखा दिया है जहाँ पे सर्वर डाउन होता है फ्री फायर का, तो ये एक रूम है, ये एक ऑफिस आप बोल सकते हो, जहाँ हमारा ओबी का जो ऑपरेशन है वो सक्सेस किया जाता है। फ्री फायर का जो सर्वर डाउन रूम होता है, मतलब फ्री फायर कितने भी सर्वर कंट्रोल्स की जाती है, ये एक छोटे से रूम में की जाती है। मतलब छोटा नहीं भाई, बहुत बड़ा रूम है, दिखने में छोटा लग रहा है। तो क्या आप लोग को ये वाला फैक्ट पता था? ये बात आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर बताना भाई लोग। फैक्ट नंबर 2, आप लोगों में से बहुत लोग में कभी ना कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि क्यों परगेटरी मैप में लॉन्च पैड नहीं है? कलहारी और वरुणा मैप में तो है भाई लॉन्च पैड, लेकिन क्यों परगेटरी मैप में नहीं है लॉन्च पैड? तो देखो, इसके पीछे भी एक फैक्ट है, इसके पीछे भी एक रीजन है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फ्री फायर का टेस्टिंग मैप कौन सा है? बरमूडा। फ्री फायर का सबसे पहला मैप कौन सा है? ऑब्वियसली बरमूडा। तो जब बरमूडा मैप में टेस्टिंग हो रही थी लॉन्च पैड के लिए, मतलब हाँ गेम में लॉन्च पैड ये चीज कुछ लानी चाहिए, तब हमारे गेम में परगेटरी नहीं आया था। पूरे गेम में बस एक ही मैप था, वो है बरमूडा। तो इसकी टेस्टिंग वगैरह भी शुरू हो गई थी क्लासिक्स में, मतलब बरमूडा क्लासिक में टेस्टिंग शुरू हो गई थी, लॉन्च पैड को लॉन्च कर दिया गया था क्लासिक बरमूडा में, और वो टाइम पे परगेटरी लॉन्च हुआ नहीं था। परगेटरी बन जरूर गया था लेकिन लॉन्च नहीं हुआ था। तो अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ी समझने की जरूरत है, जब लॉन्च पैड फ्री फायर गेम में इंट्रोड्यूस कराने वाला गया था तब परगेटरी मैप पूरा A to Z बन चुका था, बस लॉन्च नहीं हुआ था। तो भाई ये पूरा परगेटरी मैप बन चुका है, तब उसे कहाँ छेड़छाड़ करेंगे? लॉन्च पैड जो यूज होते हैं कहाँ से कितना डिस्टेंस तक ले जाना है, फिर परगेटरी में फिर छेड़छाड़ करना पड़ेगा एंड बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। द मेन रीजन इज दैट कि क्यों परगेटरी में अभी तक लॉन्च पैड नहीं है। और कलहारी तो बहुत लेट आए, तो आप सभी लोगों को पता है। एंड आप लोगों ने एक चीज का भी गौर की होगी, परगेटरी मैप में कभी भी गरीना छेड़छाड़ नहीं करता। कलहारी जैसी जगह में चेंजेस हो चुके हैं, बरमूडा में भी हो चुके हैं, लेकिन परगेटरी में अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। परगेटरी जैसा का तैसा ही है। फैक्ट नंबर 1, पूरे आर्मरी में इतनी फेमस गन M1887 की कोई भी गन स्किन अवेलेबल क्यों नहीं है? इतनी ज्यादा डिमांडिंग गन स्किन अभी तक आर्मरी में अवेलेबल क्यों नहीं हुई? मैंने अपने एक फैक्ट वीडियो में कवर किया था कि बनी MP40 आर्मरी में क्यों नहीं है। उसका रीजन ये था कि बनी MP40 की ज्यादा डिमांड नहीं थी, तो इसलिए पहले वो था आर्मरी में, लेकिन बाद में जब उसकी डिमांड घट गई तो उसे रिमूव कर दिया गया। लेकिन M1887 की डिमांड भाई पहले से ही है और आज तक अभी भी डिमांड है, लेकिन क्यों उसे गरीना आर्मरी में नहीं डालता? इतनी ज्यादा डिमांडिंग स्किन
गया फिर भी क्यों नहीं डालता। तो आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। हाँ भाई लोग आपने बिल्कुल सही सुना, जब भी M1887 की स्किन आती है वो क्यों डाइस वाले इवेंट में आती है, क्यों वो कभी वेपन रॉल में नहीं आती। वन पंच मैन का जो M1887 है वो आया था दूसरे इवेंट में क्योंकि वो कोलैबोरेशन का पार्ट था। अगर डाइस वाले इवेंट में डालते तो कोई भी बंदा नहीं परचेस कर पाता, मतलब मैक्सिमम बंदे परचेस नहीं करते डाइस वाले इवेंट से। एंड वो कोलैबोरेशन का पार्ट थोड़ा ज्यादा से ज्यादा यार बंदों के पास पहुंचाना था क्योंकि वो कोलैबोरेशन का पार्ट है। इसलिए जो वन पंच मैन वाला M1887 है वो आप लोगों को ऐरे गहरे नथु कह रहे बंदों के पास भी देखने मिल जाएगा। मेरे पास भी है, उसमें क्या बड़ी बात है। M1887 की सबसे पहली गन स्किन ट्रॉपिकल पैरोट आज से 10 महीने पहले आई थी, तो वो अभी तक आर्मरी में अवेलेबल क्यों नहीं है। चलो वन पंच मैन तो यार अभी आया है, उससे पहले 2-3 स्किन है वो जस्ट न्यू है तो आर्मरी में डालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि न्यू है। लेकिन ट्रॉपिकल पैरोट तो भाई 10 महीने पुराना है तो अभी तक वो आर्मरी में क्यों नहीं आया। अगर गरीना वाले आर्मरी में डाल देंगे M1887 को तो भाई जो इसकी डिमांड है 87 की वो धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाएगी। और जब भी कोई न्यू गन स्किन आती है M1887 की तब गरीना की बहुत ज्यादा कमाई होती है। अगर उस गन स्किन को आर्मरी में डाल दिया जाएगा तो कोई बंदे भी निकाल लेंगे एंड फिर सोचेंगे भाई मेरे पास तो एक गन स्किन है तो न्यू निकालने की क्या ही जरूरत है मेरे को। तो इसलिए डिमांड डिक्रीज ना हो जाए इसलिए उसे आर्मरी में नहीं डाला जाता। एंड मेरे को नहीं लगता कि कोई भी आर्मरी में गन स्किन आएगी M1887 की। तो बस भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आप लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना भाई लोग, क्योंकि आप लोग एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो भाई लोग तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाद में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस पर जरूर सेट करना क्योंकि हम लोग फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर से करने लगा भाई लोग। तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Love you and peace out. Thanks for watching.